अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 के डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। इस टॉपिक में स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कस करना है कि डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम लोग किस तरह से किसी चीज की डेंसिटी को विद द हेल्प ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बहुत अच्छा जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, हम करके देखते हैं कि एक हम लोगों ने क्या किया, एक बीकर लिया और इसके ऊपर हमने क्या किया, एक स्प्रिंग बैलेंस की मदद से एक वेट को लटका दिया। कोई भी वेट, हमें नहीं पता है कि उसका वेट कितना है, हम क्या करते हैं कि उसको लटका देते हैं और हमने ये देखना है कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि इसको लटकाएंगे पानी के अंदर जाने से पहले इसका वेट होगा, लेट्स सपोज कि यहाँ पे इसका वेट हो जाता है 200 ग्राम्स में, और अगर हम जब इसको पानी के अंदर लेकर जाएंगे, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे इसके कुछ रीडिंग्स दी गई होंगी, तो यहाँ पे इसका हम लोग सपोज करते हैं 200 ग्राम्स है, 200 ग्राम्स या 500 ग्राम्स कर लेते हैं हम यहाँ पे, ये है 500 ग्राम्स का जो वेट हम लोग डाल रहे हैं इसके अंदर वो कितना है 500 ग्राम। ये कब है, जब हमने पानी में नहीं डाला। अब इसके बाद क्या करते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमने स्प्रिंग बैलेंस को थोड़ा सा अपने हाथ को नीचे किया और इस वेट को पानी के अंदर तक ले गए। जैसे हम पानी के अंदर लेके गए तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो स्प्रिंग बैलेंस की जो निडल थी वो काफी ऊपर चली गई है, ये यहाँ तक आ गई है, तो मतलब यहाँ तक अब इसका वेट हो जाएगा 300। अगर ये नीचे, जिस तरह से ये आपको नजर आ रहा है कि ये नीचे जैसे भी स्प्रिंग बैलेंस में होगा कि आपको वहां पे नजर आएगा कि वो 300 हो चुकी है, 300 ग्राम्स। इट्स मीन कि यहाँ से इस स्प्रिंग बैलेंस से पता चल रहा है कि वेट जो है वो कम हो गया, पहले उसका वेट 500 ग्राम था लेकिन अब क्या हो गया, 300 ग्राम रह गया, यानी कुछ वेट कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ, यही चीज जो है हमारी प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में भी आती है। इसका वेट इसलिए कम हुआ क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ा था कि एक अपवर्ड फोर्स जो होती है वो एक्ट कर रही होती है इस उस बॉडी के ऊपर जो हम लोगों ने उसको पार्शली या कंप्लीटली इमर्स्ड किया होता है पानी के अंदर। जितना हम पानी के अंदर उसको डिप करते जाएंगे उसके अंदर जो वेट है, अप थ्रस्ट जो है वो उस पर लगती रहेगी, यानी अपवर्ड फोर्स एक लगती रहेगी। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप लोगों ने अगर कोई बैग उठाया होता है तो आप अगर उस बैग को सिर्फ खुद आपने उठाया तो आपको वो बहुत हैवी लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही कोई और उस बैग को नीचे की तरफ से उठाता है तो क्या आपको फील होगा कि वो बैग जो है वो हल्का हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे कि जब आपने उस वेट को एयर में रखा हुआ था तो आपको भारी लग रहा था, लेकिन जैसे ही आपने उसको पानी में डाला तो आपको वही वेट जो है वो कम होना शुरू हो गया। क्यों, क्योंकि उसके नीचे एक अपवर्ड फोर्स जो है वो लग रही होती है, अप थ्रस्ट फोर्स इसको भी कहते हैं, अप थ्रस्ट भी कह देते हैं। तो ये जो चीज होती है इसी को हमने नाम दिया, ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में भी आ रहा होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी हमें यही बताता है। लेकिन यहाँ पे उसने एक लव्ज यूज किया होता है, डिस्प्लेसेस इट, डिस्प्लेसेस वाटर। उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि जितना पानी जो है, आप देख सकते हो जब हम लोगों ने इसके अंदर पानी इसको डिप किया वेट को, और कुछ हमने यहाँ पे एक होल रख दिया होता और साथ भी एक बीकर रख दिया, जैसे ही हमने इसको डिप किया तो कुछ पानी जो था, क्योंकि पानी का लेवल ऑब्वियसली ऊपर आएगा, जैसे ही वो ऊपर आता है वो ऊपर आने की बजाय इस होल से क्या हो जाता है, यहाँ पे निकल आता है। अब हम लोग ये कह सकते हैं, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि जितना वेट अप थर्स्ट का होगा, यानी जितना वेट हमारा जो फोर्स है, जितनी फोर्स अप थर्स्ट लगा रहा होगा वो अगर हम कैलकुलेट करें, और जो यहाँ पर वॉल्यूम हमारे पास जो लिक्विड है वो इकट्ठा हुआ है उसका हम लोग वेट करें, दोनों का जो वेट होगा वो इक्वल आएगा। जैसे यहाँ पे जो फोर्स लग रही थी वो हम सपोज करते देखेंगे 500 है, तो 500 माइनस 300 दैट इज अबाउट 200, इस तरह से है। अगर हम लोग इसका वेट कैलकुलेट करते हैं तो इसका भी वेट 200 ही आएगा। इट्स मीन कि जितना इसको चीज को बोलते हैं वेट लॉस। वेट लॉस किसकी वजह से होता है, अब थर्स्ट फोर्स की वजह से होता है। अब थर्स्ट फोर्स जो होगी वही इक्वल होगी जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है, जितना पानी निकल गया है, या पानी का लेवल जो है वो अप आ गया है। पानी का लेवल जैसे ही वो अप आया, इट्स मीन कि वो क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो यही चीज जो होगी, डिस्प्लेसेस वाटर एंड वेट इन लॉस, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इसकी जो एग्जाम्पल है हम लोगों ने समझ लिया अच्छे से। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की, किस तरह से हम किसी बॉडी को उसका जो डेंसिटी है वो हम लोग डिराइव कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डेंसिटी क्या होती है और उसकी डेरिवेशन किस तरह से हम लोग कर सकते हैं।
हम लोग यहाँ पे क्या करना है, डेंसिटी को फाइंड करना है. हम कंसिडर कर लेते हैं डेंसिटी, जो ऑब्जेक्ट को हमने डिप करना है उसकी डेंसिटी डी है, वाटर की रो है. और वेट जो है, जब एयर में था तब उसका वेट था W, और वेट इक्वल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, यानी वेट जब हम लोगों ने उसको पानी में डाल दिया था उसका वेट जो था वो W था. यहाँ पे W1 और ये W, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द वेट इन लॉस. वेट इन लॉस तो वो किसके इक्वल होगा, W है. तो W जो चीज़ है वो W1, जितना हमारा एयर में था वेट और जितना हमारा वाटर में था वेट, उन दोनों की रेशियो के इक्वल होगा, सॉरी उस दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा. जैसे हम लोगों ने एग्जांपल की थी 500 ग्राम और 300 ग्राम्स, तो ये कितना हो जाएगा 200 ग्राम. दैट इज द वेट इन लॉस, दैट इज एक्चुअल वेट व्हेन वी डिस्प्लेस द वाटर, सॉरी व्हेन जब हम लोगों ने क्या किया कि उसको पानी के अंदर डिप कर दिया था. अब हम लोग क्या करते हैं कि इस जहां पे हमारी डेंसिटी है, डेंसिटी हमारे पास बराबर होती है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम, इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. तो अगर मास हमारे पास ये चीज है तो हम लोग क्या करते हैं, मास हमारे पास है m1 क्योंकि हमारे पास W है, ओवर ये हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम v, और इस तरह से ये हम लोग निकाल सकते हैं, ये हमारे पास होगी डेंसिटी या कैपिटल डी बी इसको कह सकते हैं क्योंकि मास और वॉल्यूम है हमारे पास. अब हम लोग क्या करते हैं कि आप लोग देख सकते हैं कि एक हमारे पास है डेंसिटी ऑब्जेक्ट की और एक हमारे पास है डेंसिटी वाटर की. तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रो इज इक्वल्स टू, और जो दूसरा है उसके लिए रो इज इक्वल्स टू वो भी आ जाएगा m ओवर v, क्योंकि वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, m का साइन यूज़ कर रहे हैं, यानी w के लिए हम लोग कैलकुलेट जो कर रहे हैं. अब हम क्या करते हैं, दोनों की रेशियो को फाइंड आउट कर लेते हैं. इस तरह से d ओवर रो, और d की हमारे पास वैल्यू है m1 ओवर v, इसी तरह से ये आ जाएगा m ओवर v. तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, m ओवर v ये हो जाएगा v ओवर m, यहाँ पे m1, ये दोनों कैंसिलेशन इसकी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा m1 ओवर m. अगर हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड पे किसी भी इक्वेशन से हम लोग कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, m1 एंड g को मल्टीप्लाई और g को डिवाइड कर लिया, तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या होता है कि w इज इक्वल्स टू होता है m एंड g, एम जी के इक्वल होता है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये m1g, तो हम यहाँ पे लिखेंगे W1, और इसी तरह से mg जो है इसकी जगह हम W लिख देते हैं, और डेंसिटी ओवर रो. अब इस चीज़ को हम लिख सकते हैं W1 इज इक्वल्स टू W1 माइनस W2, जैसे हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया था ना ये W. अब हम क्या करते हैं कि डेंसिटी जो है हमारे पास उसको हम क्या कर लेते हैं, डेंसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, तो ये चीज़ W1 ओवर W1 माइनस W2, एंड ये जो चीज़ है ये हमारे पास जो यहाँ पर रो था ये जाकर आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो इसी तरह से हम लोग किसी भी चीज़ की जो डेंसिटी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. आपकी बुक में ये सारा मैथमेटिकल फॉर्म नहीं दिया हुआ, आप इसको कर लेंगे तो आपको समझने में और मैथमेटिकल फॉर्म सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी. अब हम लोग चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की तरफ. हम लोगों ने पहले भी बात की प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या चीज़ है. प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन उस चीज़ को कहेंगे कि अगर हमारा बॉडी जो है वो हमने किसी लेवल पर, पानी के लेवल पर फ्लोट कर रहा हो और वो उसके पानी के लेवल को बढ़ा दे, यानी अब थर्स्ट फोर्स जितनी उस पर एक्ट करेगी, हमारा बॉडी जितना डिस्प्लेस करेगा, हमारा वाटर का लेवल जो जितना डिस्प्लेस करेगा उसका वेट कैलकुलेट करें और ऑब्जेक्ट का वेट कैलकुलेट करें. तो अगर वो दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इट्स मीन कि ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन. अब कुछ बॉडी जो होते हैं वो हमारे जहन में इसको पढ़ने के बाद ये जो है वो जहन में क्वेश्चन आता है कि किस तरह से बॉडी जो है वो फ्लोट करते हैं, और कुछ बॉडी जो छोटे होते हैं वो डूब जाते हैं. तो ये चीज़ जो है हम लोग इस चीज़ से बहुत अच्छे तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक कब करेगा, इफ़ द वेट ग्रेटर देन द अप थर्स्ट एक्टिंग ऑन इट, अगर वेट जो होगा वो ज़्यादा होगा और जो वेट एक्ट जो से नीचे वाली फोर्स वो अमल करेगी वो कम होगी, तो हम लोग कह सकेंगे कि ये क्या है, बॉडी जो है वो सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा. और अगर इसके होल्ड कर लें कि या तो अपवर्ड फोर्स यानी अप थर्स्ट फोर्स और ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों एक जितने हों, बराबर हों, तो बॉडी क्या करेगा, फ्लोट करेगा. और अगर
जो वेट है वो कम होगा और अपवर्ड फोर्स ज़्यादा होगी, यानी अब थ्रस्ट फोर्स ज़्यादा होगी तो हमारा बॉडी जो है वो फ्लोट करेगा। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लेना है। आप लोग इसका शॉर्ट फॉर्म जो है इस तरह से लिख लें आप कि अगर एफ जो हो, यानी अप थ्रस्ट फोर्स जो है, अप थ्रस्ट फोर्स इसके ऊपर लिख लें कि अगर वो ग्रेटर होगी वेट से, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तब भी हम कहेंगे कि ये क्या है। अगर आपकी जो फोर्स है वो वेट से ज़्यादा होगी तब कहेंगे कि ये बॉडी जो फ्लोट कर रहा है, या यही फोर्स अगर इक्वल टू है वेट के तब भी बॉडी फ्लोट करेगा, तैर जाएगा उसके ऊपर। और अगर इसकी जो फोर्स है वो कम होगी और वेट ज़्यादा होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि क्या कह सकते हैं कि बॉडी जो है वो सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। इसी चीज़ को हम नाम लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।